सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ आप सबको। सो वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं बताने वाला हूँ अबाउट द प्राइस ऑफ द बाइक सर्विस। जैसे कि बाकी लोग कहते हैं कि बजाज की जो डोमिनार है वो बहुत प्रीमियम बाइक है, तो प्रीमियम बाइक के हिसाब से सबको लगता है कि शायद खर्चा बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा खर्चा इसका, जैसे फर्स्ट सर्विसिंग, सेकेंड सर्विसिंग एंड जो भी सर्विस का होगा बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैंने बाइक अपना लिया था 8 दिसंबर को, मैंने 5 को बुकिंग किया था, मुझे 8 तक बाइक मिल गया था। 8 दिसंबर 2019 को मैंने बाइक लिया था और बाइक लेने के बाद 10 दिसंबर को मेरा सर्विसिंग हुआ, क्योंकि जो 500 किलोमीटर था वो मेरा पूरा हो गया था एक दिन में। तो फिर मैंने 10th को बाइक अपना दिया और मैंने अपना उस दिन करवाया फर्स्ट सर्विस। तो फर्स्ट सर्विस में मेरा जो खर्चा हुआ था वो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। यस, तो ये है मेरा बिल, ये है मेरा बिल, जिसे कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। वेट, यस फोकस, यस इसका बिल दिखा रहा है इसमें 1324 और सेकंड बिल है। यस फोकस, यस तो इसका सेकंड बिल, इसका सेकंड बिल है इसका 130 रुपीज़ का। तो फर्स्ट बिल इसका है 1324 रुपीज़, जिसमें कि मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ा वो दिखा बताना चाहता हूँ। इंजन ऑयल, इंजन ऑयल मुझे 1.5 लीटर मुझे लगा, क्योंकि इसमें 1.5 लीटर का इंजन ऑयल लगता है, इंजन ऑयल जो कि बजाज वालों के और सही है, कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। ओके, तो टॉपअप हुआ मेरा इसमें, और टॉपअप हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, और साथ में मैंने करवाया है चेन क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, तो इसमें मुझे लगा 130 रुपीज़। तो टोटल मेरा हो गया, तो टोटल अगर हम करेंगे तो 1324 + 130 मुझे पड़ा 1454 रुपीज़। ये था मेरा फर्स्ट सर्विसिंग। गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब बताने जा रहा हूँ आप सबको, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा सेकंड सर्विसिंग में जो प्राइस था वो कुछ लगा ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा अबाउट सेकंड सर्विसिंग, तो लोगों ने बताया कि मुझे लगा टॉपअप का, इंजन ऑयल टॉपअप या फिर कूलेंट टॉपअप, उन लोगों को लगा समथिंग अराउंड 200 रुपीज़ 300 रुपीज़, कुछ ना कुछ तो लगा ही, बट मुझे लगा ही नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया है, उस दिन मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मतलब मैं खुश होकर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ लगा ही नहीं। इनफैक्ट आज की ताज़ा खबर, मेरी बाइक हो चुकी है सर्विस, मेरा खुद बाइक का हो चुका है सेकंड सर्विसिंग। पर सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो यह है कि मेरे बाइक में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ सर्विस में, नॉट इवन मतलब जो भी बेसिक जो खर्चा होता है ना, सर्विसिंग चार्ज एंड टॉपअप एंड ऑल। टॉपअप करवाया मैंने अपना इंजन ऑयल, वो भी खर्चा नहीं हुआ, मतलब ना टॉपअप में पैसा लगा, ना कूलेंट में, ना चेन ल्यूबिंग में, ना चेन क्लीनिंग में, ना कुछ में, या किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया। मतलब दिस इज़ हाईली इम्प्रेसिबल, मतलब काफ़ी इम्प्रेस करने वाला चीज़ है ये, 1 रुपया नहीं लगता अभी के टाइम में। कैन यू इमेजिन, आई थिंक बजाज वालों के ब्लेसिंग से मेरे लिए। तो आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ लगा ही नहीं। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बजाज वालों ने जो मतलब ये जो डोमिना बनाया वो तो काफ़ी अच्छा बनाया है, बट उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। और द बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सेकेंड सर्विसिंग कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, जगह टू जगह डिपेंड करता है, बट मुझे लगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड सर्विसिंग मुझे आई थिंक प्राइसिंग जाएगा 1500 या 2000 आसपास कुछ जा सकता है, बट हु नोस, जब मेरा होगा 10,000 किलोमीटर्स तब मैं जाके देखूंगा कि मेरा कितना लगता है, कितना नहीं लगता है। बट फिलहाल तो फर्स्ट सर्विसिंग मुझे लगा है 1454 रुपीज़, सेकेंड में 0 लगा मुझे। सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है, मुझे ये लगा कि शेयर करना चाहिए, सो मैंने शेयर कर दिया। एंड गाइज, आने वाले जो सर्विस होंगे उसको मैं भी बताऊंगा कि मेरा कितना चार्ज पड़ा है। एंड जितने प्रीमियम बाइक्स हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सस्ता मुझे बजाज डोमिना ही लगा है अब तक में। इतना सस्ता, इतना चीप एंड बेस्ट किसी भी बाइक में लगता नहीं है, बट इसमें लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दे दूँ कि इसका जो सर्विस कॉस्ट कितना है, कितना नहीं है। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, enjoy. Bye-bye.